हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं पहाड़ों की हसीन वादियों के साथ। और देख सकते हैं मौसम कितना हसीन और का भी। बारिश मॉर्निंग सुबह 3 बजे से स्टार्ट थे 8 बजे तक। हमारे गांव में जो शिव पुराण हो रहा था जहाँ, तो वहाँ क्या कहते हैं 11 बजे से प्रोग्राम था, तो कथा सुना रहे थे 11 बजे और दिनों 1 बजे सुनाते थे। आज 11 बजे से था तो 10 बज चुके हैं, फिर भी बारिश अभी मतलब ऐसी थोड़ी रुक रही थोड़ी आ रही। मौसम का पता नहीं चल रहा कब बदल जा रहा। कल तक इतनी धूप थी और गर्मी भी हो चुकी थी कल तक। तो परसों ही वैसे बारिश बंद हुई थी, तो दो या तीन दिन मतलब बारिश नहीं हुई अभी, ठीक है। तो उसके बाद फिर आज मतलब कल रात से फिर लगातार होने लगी। और आज था हमारा क्या एकदम जहाँ शिवपुराण हो रहा था वहाँ कथा, तो मतलब 11 बजे से थी, फिर 3 बजे से शाम के 6 बजे तक होगा हवन करके, और फिर 7 बजे से प्रोग्राम दीप को मतलब जलाएंगे। फिर उसके बाद फिर नदी में जो प्रवाहित करना था, और देखूंगा अगर यार मौसम ठीक रहा तो पापा को भी ले आऊँगा। और रोहित और करण तो जा ही रहे हैं, वो रेडी हो रहे हैं अभी, वो गए हैं कुछ सामान लेने के लिए ऊपर उतराड़ी। तो चलते हैं हम भी अभी थोड़ी देर में और दिखाते हैं आपको आगे का हाल। और देख ही सकते हैं उधर से मौसम कितना भयंकर हो गया है, पूरा बारिश आने का हो गया। और इधर से भी देखो हुआ था यहाँ शिमला मिर्च, तो अभी हुए नहीं है। देखो छोटे छोटे पेड़ हो रहे हैं अभी, देख सकते हो ये हो रखे हैं। जो जूम करके दिखाता हूँ, तो ये हो गया शिमला मिर्च, अभी आने वाले टाइम में अच्छे हो जाएगा। तो दिखाते हैं आपको फिर यहाँ से, हम मतलब इसको निकाल के फिर खेतों में बोते हैं, ठीक है। और ये हरके हमारे, और ये है लहसुन, देख सकते हैं पूरा। और मौसम फिर आज फिर देखो कितनी भयंकर बारिश आ रही है। तो गैस वहाँ देख सकते हैं, इस जंगल का नाम थू है, ठीक है, थुआ का जंगल, तो बहुत फेमस हुआ करता था पहले। तो उधर कितनी ज़्यादा बारिश आ रही है देखो। और जहाँ हमारा मंदिर है ना, इस बीच में है, ठीक है, ये इसके बीच में, इसके जस्ट नीचे है, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा बारिश लग रही है मेरे को शायद से, ठीक है। तो कुछ ऐसी, और जो भागवत मतलब सॉरी जो शिवपुराण सुना रहे थे ना, उनने पहले बोल दिया था हमारा जो मतलब टाइम है हम अपने टाइम से नहीं चलेंगे, प्रभु की लीला के टाइम से चलेंगे बोला था, और वैसे ही हो भी गया है। तो देखिए क्या होता है, कब तक होती है स्टार्ट। तो चलते हैं फिर, अगर मौसम सही रहा तो जल्दी जल्दी टाइम से निकल लेते हैं। धूप और बारिश दोनों आ रही भाई साहब, देख लीजिए धूप भी आ रही है ये भाई साहब। हम पहाड़ में घूमने ना शाव कुकर भी आगे नहीं आए हूँ देखो। और अभी चल रहा है घर का काम, तो भाभी आज सुबह से आ के यहाँ पर 8 बजे से पता नहीं क्या कर रही है, मख मार रही है। तो गाइस देख सकते हैं फिर लग गई है बारिश, देखो कितनी लग गई है बारिश, देख सकते हैं दिखाते हैं। ये देखो गाइस यहाँ बकरी चलाने गए हैं, तो गाइस बारिश ने बुरे हाल कर दिए आज का, तो बिल्कुल ही क्या कह सकते हैं। हमने जाना था वहाँ शिवपुराण में मतलब मंदिर में, तो अब यार बहुत क्या करूँ, देखो कितना ही ज़्यादा बारिश आ रही है, बहुत ज़्यादा बारिश आ गई देख सकते हो ये। तो यार अभी और ब्रोनी बाहर से पता नहीं कहाँ से आ रही, भीग के आ रही है पूरी। ब्रोनी कहाँ से आ रहा है बेटा? तो गाइस काम का भी ऐसे हो रहा है, तो भाभी मंगा रही है सुप्पा, सुप बोलते हैं हमारे पहाड़ी में इसको सुप। तो काम चलिए, दाल पीस रही शायद, पता नहीं क्या पीस रही है भाभी। तो चलते हैं अंदर और खाते हैं यार कुछ खाना। तो गाइस बाहर आ रखी है बारिश, तो अंदर चल रहा है ये वाला काम। तो देखिए हमारे घर में जो हम मसूर की दाल है ऐसे पीसते हैं उसको, देखो गाइस देख सकते हो। तो हम फिर इसके मसूर के डुबके खाएंगे, और नितिन कर रहा है काम ये, ठीक है, और नितिन की मम्मी। तो चलिए ये काम तो हो गया, तभी मंगाया होगा इनने ये सुपर, तो आप देते हैं इनको। और देखो औरतों को घर में चैन भी नहीं है, बारिश के टाइम में भी काम। ये देखो ऐसा होता है, देख पीस दिया क्या, चलो बढ़िया काम नहीं करता है। आज मैं अपनी मम्मी के साथ हाथ बटा रहा। तो देखिए गाइस नितिन क्या बोला अपने मम्मी से, आप लोगों ने सुन लिया होगा। और देखो गाइस पहले के कितने अच्छे अच्छे कनिष्ठ आते थे छोटे, चौथा ही पहले इसमें से तेल आता था, अब ये आना बंद हो गया। और बाहर ऐसा मौसम हो गया यार, देखो यार गाइस हमने जाना है यहाँ, और यहाँ इतने बादल लगे हैं यहाँ पे, क्या बताऊँ, और बादल ना, और यहाँ इतनी बारिश आ रही, देखो कैसे जाएंगे हम। और गाइस यहाँ पर बन रही है चटनी हमारी, ये हमारी मिंट चटनी, तो
खाते हैं, अभी इंजॉय करते हैं खाने के साथ, तो देखते हैं कैसा बना है। तो ये बन गया हमारी ग्रीन चटनी, इसमें है क्या कहते हैं ग्रीन चिली, मिंट और कोरिएंडर है, ठीक है, और थोड़ा बहुत हमने इसमें लहसुन के पत्ते भी ऐड कर दिए हैं और थोड़े बहुत प्याज का भी, मतलब जो जो घर में अवेलेबल है वो सारा ऐड कर दिया है, और थोड़ा डाला हमने इसमें आंवला भी डाला है थोड़ा उसके लिए खट्टे के लिए, ठीक है। तो देख सकते हैं कितनी मस्त लग रही है। तो गाइज हमने बारिश के मौसम में बना रखा है मिक्स दाल, और क्या कर सकते हैं फिर अभी, ठीक है, तो खाते हैं इंजॉय करते हैं खाने का, भूख लगी है वैसे भी, ठीक है। तो गाइज देख सकते हैं अब इतनी बारिश आ चुकी है अंदर, हमारा ये पत्थर वाला मकान है पुराना वाला, आप लोगों का बाहर में रहते हैं तो उनके पास भी एक पुराना घर होगा जो कि हमारे किचन है, खाना यहीं बनाते हैं अपना, तो हमारा किचन टाइप का है और हम यहीं खाते हैं। तो देख सकते हैं इतनी बारिश आ रही बाहर, और देखो अंदर कितना पानी आ गया, और यहाँ पर टप लगा रखा हमने, एक टप यहाँ लगा रखा है, देखो गाइज ये पड़ चुकी है पूरे, वो ओले पड़ गए हैं, और लगता है आने वाले टाइम में बर्फ भी पड़ सकती है। तो ये देख सकते हो कितनी ज़्यादा, मतलब अभी पूरा वाइट हो जाएगा, थोड़ी देर में देखना है। ऊपर से पानी देखो कितना आ रहा है, देखो ये देखो। तो गाइस ये देख सकते हो कितनी बारिश आ गई है, और ये देखो वो देख नीचे देख, ओ भाई ओ भाई देखो पानी देखो, अभी मौसम पूरा खुल चुका था और फिर अभी देखो कैसा हो गया मौसम, पूरा बेहाल हो गया, और अभी देख सकते हो कितनी पड़ी थी, वो ओले कितने पड़ गए थे, तो अभी फिर हल्का हो गया है। ये देखो गाइस आज तो बारिश ही बंद नहीं हो रही यार, क्या कर रहे हैं यार, 5 से 5:30 छः बज गए हैं, आज मंदिर भी नहीं गए यार, पता नहीं क्या हुआ होगा मंदिर में, वो भी पता नहीं है, कल भंडारा अभी कोई आता पता नहीं है। और अभी देख सकते हैं कितना बारिश आ रही है, बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है, सुबह से आ रही है भाई साहब, तो क्या करो यार, इसमें घर से निकलने का बाहर निकलने का भी नहीं हो रहा है, देख ही सकते आप लोग। अभी बच्चे को 6, मैं सीधे उस टाइम से फिर अभी बना रहा हूँ वीडियो, मैंने बनाया नहीं, मौका ही नहीं मिला, लाइट भी जा रही है आ रही है जा रही है, कोई लाइट का भी पता नहीं है।